Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. As you know, in previous lecture we have discussed transpiration, translocation. These are modes of transportation in plants. Today we are going to discuss factors affecting rate of transpiration. Hum factors ko discuss karenge jo ke rate of transpiration pe asarandaz hote hain. We have five factors. First one is temperature, second one is wind, humidity, light intensity, surface area. फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है आपकी ट्रांसपायरेशन पे? व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज इंक्रीज्ड एज वेल. सेकेंड वन है आपके पास विंड. विंड का क्या इफेक्ट होता है? विंड के इंक्रीज होने से बेटा जब आपके पास एक प्लेजेंट डे होता है जिसमें हवा चल रही होती है उस टाइम पे जो आपका रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड बिकॉज एयर क्विकली रिमूव वाटर फ्रॉम लीव्स. एयर हेल्प आउट करती है लीव्स को वाटर को एवेपोरेट करने के लिए. थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी आपके पास होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमिडिटी इज़ अ मॉइस्चर. आपकी एयर में जब मॉइस्चर इफेक्ट होता है, मॉइस्चराइजिंग एयर होती है आपकी, उसे आप बोलते हैं ह्यूमिडिटी इज़ मोर. जब ह्यूमिडिटी आपके पास इंक्रीज करेगी वो आपके रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को स्लो डाउन कर देगी क्योंकि आपके पास जब ऑलरेडी एयर में मॉइस्चर है तो वो क्या करेगी, आपके ट्रांसपायरेशन के इफेक्ट को स्लो डाउन कर देगी. फोर्थ वन इज़ लाइट इंटेंसिटी. लाइट इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है? जब आपके पास सनलाइट ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपका जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज टोमेटा कैन ओपन मोर वाइडली इन सनलाइट. जब आपके पास लाइट ज़्यादा होगी तो आपके जो स्टोमेटा होते हैं, जो आपके लीव्स पे पोर होते हैं छोटे छोटे से, वो ज़्यादा वाइडली ओपन हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. फिफ्थ वन इज़ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या करेगा? सरफेस एरिया का डेफिनेटली किसी भी चीज़ पर ये इफेक्ट होता है, आपके पास जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा वो जो आपके पास एक प्रोसेस होता है वो वर्क करता है. इसी तरह से जब आपके पास सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी. दीज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन.